नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूँ ज़ेबनाज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। जब भी एक्वेटिक प्लांट की बात होती है तो सबके मन में एक कॉमन प्लांट का ख्याल आता है। जी हाँ, वो है कमल का पौधा। तो आज का विषय ये है कि कमल की पहचान कैसे करें, उसके प्लांट को हम कैसे लगाएं। पूरी वीडियो विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। लेकिन उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन अलर्ट्स के लिए उसका आइकन ज़रूर दबा लें। पानी वाले कमल के अलावा भी आपने उनके कई सारे वैरायटीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे ब्रह्म कमल, थल कमल और नील कमल। लेकिन आपने सैक्रेट कमल के बारे में सुना है? सैक्रेट लोटस या पवित्र कमल, इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा कमल है जो पूजा में ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि एडिबल भी होते हैं, उसे आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। आप में से कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने सैक्रेट लोटस खाया भी होगा। कमल गट्टे, कमल ककड़ी, ये उनके डिशेज है। तो लोटस को हिंदी में कमल कहते हैं। यह नीलम्बोनेसी कुल का पौधा होता है और इनका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। कमल के फूल गुलाबी रंगत लिए हुए होते हैं, पंखुड़ियां ज्यादा चौड़ी होती हैं और फूल पानी की सतह से काफी ऊपर खिलता है। हालांकि इनकी जड़ें कीचड़ या मिट्टी में ही होती हैं, केवल पानी में यह ग्रो नहीं करेगा। हम अक्सर वाटर लिली या कुमुदनी के फूल को ही कमल समझ लेते हैं, जो निम्फिएसी कुल का पौधा होता है और इनकी 70 से ज्यादा किस्में और उतने ही रंग होते हैं। लोटस का पौधा बीजों से उगता है और ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसके उगाने का सही समय बरसात या जाड़े का मौसम होता है। कमल का पौधा आप गर्मी में उगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आप गर्मी ख़त्म होने का इंतज़ार करें और ज़्यादा हो सके तो बरसात या फिर जाड़े के मौसम में ही इसे लगाएं। ये बीज कमल या सैक्रेड लोटस के हैं। ये अमूमन बड़े आकार के, तकरीबन 1 सेंटीमीटर आकार के बीज होते हैं। देखने में ओवल शेप और काली या गहरी भूरी रंगत लिए हुए बीज होते हैं। कमल के इन बड़े आकार के बीजों में अक्सर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा हिस्सा सीधा और कौन सा उल्टा है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इनके एक सिरे पर हल्की सी उभार और दूसरे तरफ एक सुई जैसा महीन छिद्र नजर आएगा। बीज जल्दी उगे इसके लिए हम इन्हें नेल फाइलर से इनके सिरों को हल्का सा घिस देंगे। ज़्यादा नहीं घिसना है, पर हल्की सी फाइलिंग करने से, चूँकि इनके सीड कोट या सीड का छिलका काफ़ी मोटा है तो उन्हें तोड़ने के लिए आसानी होगी। पौधे टेंडर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो घिस देने से वो इन सीड को अच्छे से जल्दी से तोड़ पाएंगे और सीड जल्दी जर्मिनेट होगा। घिसने के बाद हम इन्हें पानी में डाल देंगे। ये देखिए, एक बीज तैरकर ऊपर आ गया है, इसी से पहले पौधा उगेगा। यह खराब नहीं है, जल्दी ही बीज फूल कर मोटे और आकार में थोड़े बड़े हो जाएंगे। पानी की सतह पर आपको झाग भी नजर आएगा। परेशान होने की बात नहीं है, हर 2 से 3 दिन में पानी बदल दीजिए। बीजों को उगने में आमतौर से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा वक्त भी लगता है। तकरीबन 16 दिन के बाद हमारे बीजों में स्प्राउटिंग हो चुकी है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने रात देखा था तो इसमें कुछ भी नहीं था और आज सुबह इतने बड़े आकार का अंकुर नजर आ रहा है। ये अंकुर अभी फोल्डेड है, लेकिन तकरीबन 1 सेंटीमीटर का है। खुलने पर यह 2 सेंटीमीटर का होगा, यानी आकार में काफी बड़ा है। खुश होने की बारी जरूर है, हमारे पौधे उगने शुरू हो चुके हैं। बीज फटा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, पर जड़ें अभी भी अपीयर नहीं हुई हैं। इन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा मिट्टी में लगाने में। हमें हम पानी को हर रोज बदल रहे हैं और डे बाय डे, एवरी डे इनकी प्रोग्रेस भी आपको दिखा रहे हैं। ये कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कल ही इनमें अंकुर आया था और आज दूसरे ही दिन ये काफी लंबे आकार में हो गए हैं। दूसरा पत्ता भी अब अपीयर होने लगा है। बीज की ग्रोथ काफी तेज गति से हो रही है। अभी भी रूट्स नहीं आई हैं और दूसरे बीज में भी अंकुरण शुरू नहीं हुआ है, पर हाँ, दूसरा पत्ता जरूर अपीयर होना शुरू हो गया है।
हमने पानी को हर रोज बदला है, इसलिए पानी साफ नजर आ रहा है। पानी को रोज बदलना जरूरी होता है। पौधे के आकार के अनुसार पॉट थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हम इसे बड़े आकार के पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने इसे बस बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है, दोनों ही बीजों को उठाकर वापस डाल दिया है। अंकुरण शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर जड़ें भी अपीयर हो जाती हैं। अब तक हमारे लोटस में दो पत्ते आ चुके हैं, तीसरा पत्ता भी अपीयर हो रहा है। अब चूंकि जड़ें आ गई हैं, तो हम इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। हम इन्हें मिट्टी में लगा लेते हैं। लोटस को चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें आप गाय की ताजा गोबर या अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो उपले भी डालकर फर्टिलाइज कर सकते हैं। साथ ही जैविक संवर्धक नाम की खाद होती है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर है। 20 लीटर तक पानी का अगर आपके पास बकेट है, तो उसमें एक बूंद फर्टिलाइजर महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। कमल का पौधा एक बीजों से उगता है, और ये एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ मिट्टी और सिर्फ पानी में नहीं उगता है। इसके तले में थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर पानी चाहिए होता है, इसलिए इसे हम कीचड़ में उगने वाला पौधा कहते हैं। मिट्टी में हम पहले थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे, ताकि वो हमारे पॉट की सतह पे फैल जाए। अब इन्हें हम अच्छे से फैलाकर इनमें सीड्स लगा देंगे। ध्यान रखना है कि पत्तों को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, बीज का निचला हिस्सा ही मिट्टी की सतह के नीचे जाएगा। अब हम पॉट में थोड़ा और पानी डालेंगे और पॉट को अगले 2-4 दिन तक इंडोर ही रखेंगे। इन्हें सीधे धूप में अभी रखना सही नहीं होगा। आप पॉट को पूरा ऊपर तक पानी से भी भर सकते हैं। 2-1 दिन में ही पत्ते खुलने लगेंगे और खूबसूरत नजर आने लगेंगे। कमल के इन नन्हे पौधों में फूल आने में 6-7 महीने का वक्त लग जाएगा। तब तक इनका ख्याल रखें। तापमान 25 डिग्री से ज्यादा हो तो पौधे को इंडोर रखें। पानी समय समय पर बदलते रहें। ज्यादा फर्टिलाइजेशन या पेस्टिसाइड यूज करने से कमल के पौधे खराब हो जाते हैं। आज की वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे। हम आते रहेंगे कुछ दिलचस्प वीडियो के साथ। उसके लिए आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।